Hello, my dear friends. My name is Sachin and I welcome you. I welcome you back to Muscle Masters by Sachin Kohli. And before starting this video, शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप बहुत प्यार देते हैं, चैनल को सपोर्ट करते हैं. और अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिटर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप सपना देखते हैं भारत के अंदर एक जिम सेटअप करने का, तो माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ दी ओनली चैनल. एज आई ऑलवेज से, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट है जिम सेटअप के ऊपर, नॉन कॉपीड कंटेंट है. दिस इज़ दी ओनली चैनल विच कैन हेल्प यू इन सेटिंग अप द जिम इन इंडिया. वाई इन इंडिया? नाउ वी आर इन टू एशियन कंट्रीज ऑल्सो, सो इन ऑल दी एशियन कंट्रीज एज वेल. सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर अ न्यू विजिटर टू दिस चैनल, माई डियर फ्रेंड्स. ओके, नाउ होप यू लाइक्ड द लास्ट वीडियो, जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने किया. और लास्ट वीडियो क्या था कि किस तरीके से भारत के अंदर 6 लाख के अंदर जिम सेटअप हो सकता है. अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा, अगर आपने जिम सेटअप के ऊपर मेरा पुराना कोई भी वीडियो नहीं देखा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जाइए वीडियो देखिए. बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जिम कंटेंट के ऊपर, जिम लाइसेंसिंग के ऊपर, जिम इक्विपमेंट के ऊपर, जिम मैनेजमेंट के ऊपर. जाइए देखिए, बहुत ज़्यादा मदद होगी आपको अगर आप भारत के अंदर एक जिम सेटअप करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी भारत के अंदर एक जिम चला रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स. सो गाइस, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ द डे. टॉपिक ऑफ द डे इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. और बहुत लोग, जो आप लोग मेरे से मिलने आते हैं, और आप लोगों का, बहुत लोग का ये प्रश्न रहता है कि आप अपने इलाके के अंदर एक जिम सेटअप करने जा रहे हैं, आप दिल्ली के अंदर, आप यूपी के अंदर, मुंबई के अंदर, या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कर्नाटक के अंदर आप लोग जिम सेटअप करने जा रहे हैं, बिहार के अंदर आप लोग, हाल बिहार के अंदर जिम सेटअप हुआ, सहारनपुर में हुआ. और आप लोग का ये प्रश्न हम लोगों से रहता है कि किस प्रकार से उस जिम का एक फ़ी स्ट्रक्चर रखा जाए, उसकी फ़ीस किस तरीके से डिफ़ाइन की जाए. तो गाइज, इसके 3 बेसिक पॉइंट्स हैं. ये 3 बेसिक पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा, आप बहुत इजीली अपने जिम के अंदर अपने फ़ी स्ट्रक्चर को आप सेट कर पाएंगे, बहुत तरीके से सेट कर पाएंगे. देखिए, जो पहला रूल है, इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है, ये एक थंब रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है. जिस प्रकार का आपका क्लब है उस प्रकार की आपकी फ़ीस है, जिस प्रकार की आपकी इन्वेस्टमेंट है उस प्रकार की आपकी फ़ीस है. अगर आपका हाई एंड क्लब है तो उसके अंदर बहुत हाई फ़ीस है, अगर वो मिड एंड क्लब है तो उसकी एक मिड एंड फ़ीस है, अगर वो लो एंड क्लब है तो उसकी लो एंड फ़ीस है. बस एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी इस पहले पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए, कि फीस सेट करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है सर्वेस. हैविंग सेट दैट, आपको बहुत सर्वे करना पड़ेगा कि आपके इलाके के अंदर किस प्रकार के क्लब हैं और उनकी क्या क्या फ़ीस है. अगर आपके इलाके के अंदर जो क्लब्स हैं उनकी फ़ीस फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 रुपये महीना है, और आप बिल्कुल टक्कर का जिम बनाते हैं, तो आप 2000 रुपये महीना फ़ीस रख सकते हैं, 1800 रुपये महीना फ़ीस रख सकते हैं, उनसे 200 रुपये कम भी रखिए क्योंकि आप नए हैं. अगर उन क्लब्स के मुकाबले में आप क्लब नहीं बना पाए, आप फिर भी चाहते हैं कि आपके पास लोग अंदर आए, तो आपको थोड़ी सी फ़ीस कम रखनी पड़ेगी. सो पॉइंट ऑफ समीशन इज़ वेरी सिंपल माई डियर फ्रेंड्स. बहुत साइंटिफिक कोई पॉइंट नहीं है, बहुत सिंपल पॉइंट है. जिस प्रकार का क्लब है, जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, जो फ़ीस आप लोग लेते हैं वो उसके बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है. इसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है. नाउ पॉइंट नंबर टू इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, यही पॉइंट क्रक्स है, यही पॉइंट कारण है ये पूरा वीडियो बनाने का. देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जब भी हम लोग एक जिम बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेल्स के बिजनेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो हम लोग करते ही हैं, लोगों की लाइफ तो हम लोग चेंज करते ही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस सेल्स बिजनेस है. हम यहाँ पे सेल्स करने के लिए, हम यहाँ पे बिजनेस करने के लिए है. सेल्स के अंदर जब मैंने सबसे पहली बार सेल अपनी लाइफ के अंदर सीखी थी, तो उसके अंदर मैंने एक फंडा सीखा था जिस फंडे का नाम है क्वांटिलिटी. इस फंडे को बोलते हैं क्वांटिलिटी, और यही पूरा क्रक्स है पूरे वीडियो का. इससे मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप जब एक क्लब फोकस क्लब खोलते हैं, तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, वो मेन फोकस होना चाहिए कि किस प्रकार से आप अपने क्लब के अंदर क्वांटिटी भर सकते हैं, किस तरीके से आप क्वांटिटी ऑफ मेंबर्स अपने क्लब के अंदर भर सकते हैं, फिर उस क्वांटिटी में से किस प्रकार से आप क्वालिटी निकाल सकते हैं. हैविंग सेड दैट, अब इस पॉइंट को मैं और ज़्यादा एलेबोरेट करता हूँ. कोई भी क्लब, माई डियर फ्रेंड्स, अगर आप आज एक जिम ओपन कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि आप फीस का जो एलिमेंट है, आप फीस लेके वो क्लब चला लेंगे, तो आंसर है नहीं. फीस आप इकट्ठा करेंगे, उससे आप अपने बेसिक एक्सपेंसेस ही पूरे कर पाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे रेंट दे पाएंगे,
और अगर आपने थोड़ी सी फीस इकट्ठी कर ली तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे सैलरीज दे पाएंगे, और आपने थोड़ी सी ज़्यादा फीस इकट्ठी कर ली तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दे पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, आप अमीर हो सकते हैं, आप चेन बना सकते हैं पूरे जिम्स की सिर्फ फीस के बल पे, तो आंसर है नो। तो फिर एक जिम ओनर आखिर कहाँ से पैसा कमाए? ना तो वो फीस से पैसा कमा सकता है, तो वो फिर कहाँ से पैसा कमाए? तो गाइस, समझने वाली ये बात है, ये जो कंप्लीट जिम का बिजनेस है ये फीस पे नहीं चलता, ये हमारा आज का एक्सपीरियंस नहीं है। ये दो हाथ देखिए, इन दो हाथ का एक्सपीरियंस 100 से ज़्यादा जिम खड़ा करने का है। और ये जो एक्सपीरियंस है, इन एक्सपीरियंस से मैंने यही सीखा है कि फीस से कभी भी कोई भी जिम ओनर सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल होता है जो एक जिम सप्लीमेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सप्लीमेंट्री सर्विसेज, हैविंग सेड दैट, जो सबसे पहली सप्लीमेंट्री सर्विस है वो है पर्सनल ट्रेनिंग। जो दूसरी पर्सनल ट्रेनिंग है वो है, अगर आप जुम्बा क्लासेस करते हैं, आप योगा क्लासेस करते हैं, या आप फॉर एग्जांपल एरोबिक्स क्लासेस करते हैं तो द क्लासेस, या आप एक स्पिनिंग क्लास करते हैं तो क्लासेस इज द सेकेंड सप्लीमेंट्री सर्विस। द थर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस इज हैविंग कंप्लीट होल्ड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन योर क्लाइंट्स, आपके जो क्लाइंट्स हैं उसके ऊपर न्यूट्रिशन का पूरा होल्ड होना है। जो चौथी सप्लीमेंट्री सर्विस है, जो गोल्ड जिम करता था, मेरे को आज भी याद है, गोल्ड जिम अपने खुद के कपड़े भी बेचता था, तो वो गोल्ड जिम गारमेंट्स के नाम से, गोल्ड जिम गियर्स के नाम से, गोल्ड जिम ने अपने दे स्टार्टेड सेलिंग देयर सैंडोज, दे स्टार्टेड यू नो सेलिंग देयर स्वेटशर्ट्स बाय द नेम ऑफ गोल्ड जिम, एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। बहुत पैसा बनाया उसने उस पूरे कॉन्सेप्ट से। सो पॉइंट ऑफ समिशन हियर इज माय डियर फ्रेंड्स कि आप फीस के बल पे रहेंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, आप सिर्फ ऐसा कमा पाएंगे सप्लीमेंट्री सर्विसेज बेच के। अब ये सप्लीमेंट्री सर्विसेज किस तरीके से बेची जाती है? ये सप्लीमेंट्री सर्विसेज सिर्फ आपसे क्वालिटी लोग खरीदते हैं, या हर कोई नहीं खरीदेगा, ये आपसे सिर्फ क्वालिटी के लोग खरीदते हैं जो ये सप्लीमेंट्री सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये जो सप्लीमेंट्री सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं, ये लोग आपको कहाँ से मिलेंगे? ये लोग आपको मिलेंगे जब आप अपने जिम के अंदर क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, तभी तो छटाई होगी ना। अगर आपने एंट्री के अंदर ही 3,000 रुपये फीस लगा दी, 4,000 रुपये फीस लगा दी, आपने पूरे एरिया का सर्वे किया, आपके एरिया की मैक्सिमम पेइंग कैपेसिटी है 2,000 रुपये, आपने सीधे सीधे बोला कि नहीं नहीं मैंने तो बहुत अच्छा क्लब बना दिया तो मैंने फीस लेनी शुरू कर दी 3,000 रुपये, आपने फीस लेनी शुरू कर दी 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, लेकिन आपने एंट्री पे स्टॉप लगा दिया, वो मेरे जिम की एंट्री है, लोग नहीं आएंगे, वो 2,000 दे सकते थे, लेकिन आपने क्या कर दिया, 3,000 रुपये अपनी फीस कर दी, लोग ही आना बंद हो गए अंदर। तो जब लोग आना बंद हो गए माय डियर फ्रेंड्स, तो जब लोगों की एंट्री नहीं हुई, एक क्वांटिटी की एंट्री नहीं हुई, तो आप उसमें से क्वालिटी कैसे निकालेंगे? देखिए, सेल्स के अंदर देयर इज अ टर्म दैट एवरी कस्टमर इज अ गॉड, सो गॉड इज वेटिंग फॉर यू, डोंट से नो टू द गॉड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जहां पे भी आपको लगता है कि आपको पैसा कमाना है, वो पैसा आप सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री सर्विसेज से कमा सकते हैं। ढेर सारी क्वांटिटी, अगर आपके इलाके में 2000 फीस है ना, तो आप 1500 फीस कर दीजिए, आप 1200 रुपए फीस कर दीजिए, ढेर सारी क्वांटिटी को अंदर आने दीजिए, उस क्वांटिटी को अपनी सप्लीमेंट्री सर्विसेज दिखाइए, और उसी सप्लीमेंट्री सर्विसेज से ही आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे, आप एक जिम ओपन कर दिया, आपने जिम के अंदर बहुत पैसा लगा दिया, बहुत सुंदर जिम बना दिया, बहुत इमोशनली आप उस जिम के साथ अटैच्ड है कि हम लोग बेस्ट हैं, हमारे इंटीरियर ऐसे हैं वैसे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे नथिंग विल हेल्प यू, ओनली क्वांटिटी ऑफ पीपल हु आर कमिंग इन। जहां 50 आ सकते हैं, वह 100 लोग, वहां 150 लोग, वहां 200 लोग, क्वांटिटी घुसाइए। जब वो 200 लोग अंदर आ गए, तो उनको अपने सर्विसेज के बारे में बताइए, उनको फ्री पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस दीजिए, उनको फ्री न्यूट्रिशनल क्लासेस दीजिए। जब आप ये सब चीजें देंगे, तो फाइनली यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। सो जो बात रही हम फीस कितनी ले, तो फीस के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन मत करो, क्वांटिटी के ऊपर कंसंट्रेशन करो, क्वांटिटी लेकर आओ, क्वांटिटी में से क्वालिटी निकालो, दैट्स व्हाट इज माय सजेशन। पॉइंट नंबर वन क्या था? पॉइंट नंबर वन बहुत सिंपल था कि जैसा क्लब है प्रोपोर्शनेटली वैसे फीस होगी। सर्वे कीजिए और समझिए आसपास वाले क्या फीस लेते हैं, उससे 200-400 रुपये कम फीस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर टू, 200-400 क्यों कम करने हैं? ताकि साथ वाला क्लब छोड़ के क्वांटिटी आपके पास आ सके, ताकि आप उसमें से क्वालिटी निकाल सके। नाउ पॉइंट नंबर थ्री माय डियर फ्रेंड्स, एंड दिस पॉइंट इज अ वेरी 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 गोल्डन पॉइंट, स्टार्ट गिविंग फ्रीबीज टू योर कस्टमर्स। नाउ फ्रीबीज से मेरा क्या मतलब है, जैसे ही क्वांटिटी आपके पास आ जाती है, स्टार्ट गिविंग देम फ्री पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस, स्टार्ट गिविंग देम फ्री न्यूट्रिशनल सेशंस, स्टार्ट गिविंग देम फ्री स्पिनिंग सेशंस, स्टार्ट गिविंग देम फ्री एरोबिक्स एंड जुम्बा सेशन, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि आप जो सर्विस दे रहे हैं उस सर्विस की क्वालिटी
क्या है, और जैसे ही उस सर्विस की क्वालिटी उनको पता चलेगी, देन दे विल बी स्टार्ट पेइंग फॉर योर सर्विसेज एंड यू विल बी अर्निंग लॉट ऑफ मनी, तुम लोग पैसा कमाने लगोगे उससे। ओके, सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। सो वेरी वेरी स्मॉल वीडियो, वेरी क्विक वीडियो। द वीडियो सेज के कितना फीस होना चाहिए आपके जिम का, तो फीस तो जितना भी रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द डे आपने जिम ओपन किया, 50 लाख लगाया है या 5 लाख लगाया है या 2 लाख लगाया है या 1 करोड़ लगाया है, और अगर आप ये सोचते हैं कि आप जिम से पैसा कमाएंगे, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। तो ये प्रश्न ही गलत है कि कितना फीस रखिए। फीस तो लो से लो रखिए, किस तरीके से आप अपने जिम के अंदर सर्विसेज बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से 4 दीवारी के अंदर 400 सर्विसेज दे सकते हैं, दैट इज द ओनली पॉइंट विच कैन मेक यू किंग इन योर एरिया। Thank you so much, my dear friends, for watching this video. Thank you so much for all your love and affection. Thank you so much for subscribing the channel. One more thing, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा warehouse visit नहीं की है, तो आइए warehouse visit कीजिए. You will be surprised to see कि वहाँ पे क्या क्या सामान है, किस किस तरीके का सामान है, और कैसे कैसे इक्विपमेंट्स जो आज के टाइम पे इंडिया में एंटर भी नहीं किए, वो हमारे पास वहाँ सेकेंड पड़े हुए हैं. So thank you so much, my dear friends. Love you all. Take care. God bless with you. Lot of health. Take care.